हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। और आज का हमारा सेशन है मास्किंग। मास्किंग जो है वो बड़ा ही एसेंशियल टूल है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, ठीक है। काफ़ी जो है आपके कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, मैट पेंटिंग से रिलेटेड और आर्टवर्क से रिलेटेड, VFX से रिलेटेड जो है मास्किंग इसके अंदर यूज़ होता है आफ्टर इफेक्ट्स में, और बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही यूज़फुल टूल है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टूल ऑफ एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो आज जो है हम इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि मास्किंग है क्या और की किस तरह से जाती है, ठीक है। सॉरी, जनरली आप लोगों ने जो है फोटोशॉप में भी मास्किंग वगैरह पढ़ी है कि मास्किंग से क्या होता है। बेसिकली हम जो है इमेज या किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इमेज में से किसी ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करते हैं या क्रॉप करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, बट यहाँ पे जो है मास्किंग थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा पावरफुल है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से जैसे फर्स्ट हमारे पास ये एक इमेज है, ठीक है। ये एक नॉर्मल इमेज है हमारे पास, और ये इमेज जो है कोई PNG नहीं है, नॉर्मल सिंपल JPEG है। चेक किस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पे जो है जो हमारे पास ये ट्रांसपेरेंसी मोड है इसको टॉगल करके हम ऑफ करेंगे, तो ये हमारे पास नॉर्मल है, हमें पता चल गया। PNG होती है तो ऑब्वियसली बैकग्राउंड डिसेबल होता, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मली इमेज आ गई, ठीक है। ये टॉगल आपने करके इसको दोबारा ऑन कर दिया और मैंने इसको अनडू कर दिया। अभी हमारे पास इमेज है, इसको मैं अगर न्यू कॉम्पोजिशन में लोड करता हूँ, ठीक है। न्यू कॉम्पोजिशन में लोड करने के लिए आप सिंपली इस इमेज को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन का बटन है, इस पर आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह से लोड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास न्यूज़ में लोड हो गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे ये इमेज जो है किसी सेपरेट एरिया पे प्लेस करनी है, सही है, किसी डिफरेंट जगह पे मुझे इसको प्लेस करना है या मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। तो मैं इसमें एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में इसको किस तरह से जो है क्रॉप करूँगा या चेंज करूँगा, ठीक है। बड़ा मज़ेदार तरीका है इसके लिए। आप लोगों को याद हो कि जब हम लोगों ने वो शेप मॉर्फिंग वाला टॉपिक पढ़ा था, शेप मॉर्फिंग वाले टॉपिक के अंदर हमने यहाँ पे से शेप्स यूज़ किए थे, ठीक है, शेप यूज़ किए थे। अब मास्किंग के लिए क्या होता है कि मास्किंग के लिए आपको ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी ये शेप अगर मैं पिक करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, तो ये एक जो है एज अ सेपरेट शेप लोड होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे इस इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर अगर मैं इसमें से कोई भी शेप सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये मास्किंग शेप हो गए, ठीक है। अब ये इसमें से किसी भी शेप को मैं सेलेक्ट करके अगर इसको अब मैं लोड करूँगा तो ये एज अ मास्क लोड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि जब मैंने इसको पहले अनसेलेक्ट करके लोड किया था तो ये जो है मेरे पास सेपरेटली क्रिएट हुआ था, और अब जो है कि क्लिपिंग मास्क सॉर्ट ऑफ मेरे पास क्रिएट हुआ, ठीक है। अब इसको हम देख किस तरह से सकते हैं, यहाँ से मैं इसको टॉगल ट्रांसपेरेंसी मोड ऑफ ऑन ऑफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो गया। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको इमेज को सेलेक्ट करने देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको मास्क लोड करते हैं। अब ये भी मास्क मैंने यहाँ पे लोड किया, ठीक है। स्पेस बार होल्ड करके इसी तरीके से हमने मास्क को मूव करवा लिया, ठीक है, जैसे इलस्ट्रेटर वगैरह में हम करते हैं। ये सर्कल को इस तरह से हम लोड कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस बार मूव करके अगेन मैंने इसको एडजस्ट किया, ठीक है, और ये मैंने इसको क्लिक रिलीज़ कर दिया। तो ये मास्क मेरे, ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत ही सफाई से मेरे पास जो है वो यहाँ पे क्रॉप हो गया, ये इमेज कम्प्लीटली मेरे पास क्रॉप हो गई, ठीक है। अब मैं इसमें जो है अगर कंट्रोल वाई प्रेस करके हम एक न्यू सॉलिड लेयर बनाएं, ठीक है, और न्यू एक सॉलिड लेयर बना के तो यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रास्ट के अंदर बना लेते हैं। इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है, मेक कॉम साइज सेम, इसको मैंने लोड कर दिया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे, ठीक है। ये हमारे पास जो है लेयर एक सेपरेट क्रिएट हो गए, ठीक है, ये लेयर सेपरेट क्रिएट हो गए, और ये हमारे पास जो शेप है वो मास्क हो गया, राइट। ये तो हो गया सबसे पहला तरीका, एक बेसिक तरीका, ठीक है, हमने इसको मास्क कर लिया, ठीक। अब इस मास्क को हम मॉडिफाई किस तरह से करेंगे, ठीक है,
ये एक और तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसको इमेज को जब सेलेक्ट करते हो, तो ये अब क्रॉपिंग में इस तरह से यहाँ इतनी सेलेक्ट, क्योंकि हम इसको क्रॉप कर चुके हैं, मास्क कर चुके हैं, इस वजह से ये इसकी जो जो बाउंडिंग बॉक्स है, स्केलिंग एरिया है, वो सिर्फ इतना यहाँ पे शो हो रहा है, सही। तो अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मास्क शो हो रहा है। अब इसको जो है हम एडिट कर सकते हैं किस तरह से, कि यहाँ पे देखो, अभी मैं अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये जो है नॉर्मली आपका इस तरह से स्केल हो रहा है पूरा इमेज। बट अगर सिर्फ मुझे इसके मास्क को चेंज करना है, तो इसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे एम, सही। जब एम प्रेस करेंगे तो एम से क्या होगा कि मास्क यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एम प्रेस किया, मास्क ओपन हो गया, सही। अब यहाँ से जो है मैं इसका मास्क सेलेक्ट करके इसको जो है मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं इसको मास्क को मूव कर सकता हूँ, ठीक। पहले हम अगर मूव कर रहे थे तो पहले मेरे पास ये पूरी इमेज मूव हो रही है, जिस पे पूरा मास्क साथ में लोड है। और यहाँ से अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप इस मास्क को जो है इजीली ड्रैग करके, मूव करके, सेलेक्ट करके, ठीक है। सिंपली ये देखो, मैं इसको सेलेक्ट करके जो है इसका ये पॉइंट भी सेलेक्ट करके इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसको आपको मॉडिफाई करना है, सही, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ वही चीज़ें हैं सारी जो इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप वगैरह में जिस तरह से पेन टूल के अंदर नोट्स, पॉइंट्स वगैरह हमारे पास आता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से डबल क्लिक करूँ तो ये मास्क जो है ये पूरा एज इट इज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसको जो है, सॉरी, इसको पहले अंडू कर देते हैं, ठीक है। और शिफ्ट एंड कंट्रोल होल्ड करके, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स में आप शिफ्ट और कंट्रोल होल्ड करते हो तो ये जो है आपका सेंटर से, जिस तरह इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में ऑल शिफ्ट होल्ड करते हैं, इसमें आप कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके जो है सेंटर से इसको स्केल आउट करते हैं, सही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि यहाँ पे नोट के ऊपर ये जो पॉइंट था इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया था, सही। और आप चेंजेस करने के बाद इसको फिर एंटर कर दो नॉर्मली, राइट। अच्छा, ये तो हो गई प्रॉपर्टी नंबर वन मास्क की, कि अगर ये मास्क आप सेलेक्ट करके मास्क को किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड, अब जब एम प्रेस करने के बाद मैं सेकंड टाइम दोबारा एम प्रेस करूँगा, ये मैंने एम प्रेस किया, ठीक है, सिंगल बार। तो सिंगल टाइम एम प्रेस करने से मास्क जो है वो लोड होता है। अगर एम दो बार एक साथ प्रेस करेंगे एम, तो इससे क्या होगा कि मास्क की प्रॉपर्टीज़ पूरी लोड हो जाएगी, सही। एम प्रेस किया एक बार आपने तो मास्क पाथ, जो मास्क आपका है वो लोड हो। आपने अगर एक साथ दो बार, जिस तरह आप डबल क्लिक करते हैं इस तरह आप एम एम प्रेस करेंगे एक साथ, तो इसकी मास्क की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी एम एम, सही। तो ये मास्क की प्रॉपर्टी साथ में ओपन होगी, ठीक है। मास्क पाथ के अंदर ये शेप आ रहा है, ठीक है। शेप जो है इसका आप अगर चेंज करना चाहो जैसे, तो आप शेप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक। मास्क फेदर, सही। ये चीज़ें बड़ी मज़ेदार लगती है इसके अंदर के, जो है बड़ा हैंड ऑन कंट्रोल है आपके पास चीज़ों का। मास्क फेदर लाइक, अब इसको मैं अगर स्मूथ करना चाहूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप ये बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक, तो अब ये इसकी शार्पनेस वगैरह यहाँ पे देखेगा, ठीक है, ये जैसे शार्प है यहाँ पे। तो आपने मास्क फेदर जो है ऑन किया तो ये देखें स्मूथ हो गया, जो कॉर्नर एजेज है स्मूथ। तो अगर आप किसी इमेज के साथ इसको कंपोजिट करने हैं, और आप उस कंपोजिट करने के लिए आप उसको ज़रा स्मूथनेस आप उसकी सेट करना चाहते हो, तो आप इसको देखो इस तरह से मास्क को स्मूथ आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है कॉर्नर पे फैदर आ गया, जितना मर्जी देना चाहो, डिपेंड्स ऑन यू, सही। फिर मास्क ओपेसिटी के, मास्क आपको जो है उसकी ओपेसिटी क्या रखनी है, तो ये मास्क की ओपेसिटी, अब इसमें जो मास्क के अंदर ऑब्जेक्ट लोड होगी साथ साथ उसकी भी ओपेसिटी लोड होगी, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली ओपेसिटी तो आप नॉर्मली वैसे भी कर सकते हो, सही है, लेकिन हमारे पास मास्क में भी ऑप्शन है ओपेसिटी का, ठीक है। मास्क एक्सपेंशन, ठीक है। अभी मास्क एक्सपेंशन जो है ये क्या चीज़ है, एक्सपेंशन ये चीज़ है कि मास्क के बाहर या इनसाइड में जो भी एरिया है आप उसको अगर एक्सपेंड करना चाहो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे मास्क लोड है, ओके, तो एक्सपेंड अगर हम करेंगे तो इसके आउटर का एरिया जो है वो एक्सपेंड होगा, ठीक है। अब आउटर एरिया एक्सपेंड होने से क्या होगा कि बाहर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, सही, वो लोड होगी। इसके लिए मैं आपको एक और तरीके से भी समझाता हूँ कि हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ आई गेस वीडियो है, वीडियो को हम लोड कर लेते हैं इसी तरह, ठीक है। वीडियो को मैंने इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे कॉम्पोजिशन पे लोड कर दिया, ठीक है। वीडियो 4K है तो आई गेस थोड़ा सा ये स्लो होगा, सही। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस तरह से मास्क क्रिएट करता हूँ, अब इसमें आप मास्क कोई भी लेके क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
अभी शेप है, स्टार है, स्टार के अंदर आप इस तरह से देखो ये वीडियो के अंदर ये शो कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे स्टार के अंदर आप कोई वीडियो शो करना चाहो, आपने एक यहाँ पे मास्क लगा दिया, ठीक है, और एक वीडियो और क्लिप रख दिया, एक क्लिप यहाँ रख दिया स्टार के अंदर, पीछे बैकग्राउंड कुछ और आपने चेंज कर दिया, सही। तो ट्रबल एंड शूटिंग करके कोई भी क्रिएटिवली आप चीज़ें इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। एंड प्लस ये कि सब चीज़ें जो है एनिमेट इसको आप कर सकते हो, मास्क पाथ को भी एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर मैं मूव करूँ यहाँ पे सेलेक्ट करके, तो ये इसको मैं जो है मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो मास्क एरिया भी एक्सपेंड हो रहा है हमारे पास, एनिमेट कर सकते हैं, सही। तो ये सब ऑप्शंस हमारे पास जो है अवेलेबल, यही मतलब आफ्टर इफेक्ट्स की सबसे जो है ज़बरदस्त खासियत है कि इसमें हर चीज़ एनिमेट एबल है, आप इसको हर चीज़ को एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा पहले हाफ़ कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है और ये जो है ज़बरदस्त तरीके से मेरी रैम कंज्यूम करेगा सिस्टम की, ठीक है। तो इसको मैं हाफ़ कर देता हूँ, बल्कि इसको हम थर्ड पे कर देते हैं, ताकि और ये थोड़ा सा रेजोल्यूशन लो कर दे, ठीक है। इसमें अगर आप चाहें तो आपके पास यहाँ पे जो है, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कि इसमें यहाँ पे आपके पास अडेप्टिव रेजोल्यूशन का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे फास्ट प्रीव्यूज़ ऑन कर दो, ठीक है। तो ये अडेप्टिव रेजोल्यूशन है, तो इससे क्या है कि वो जिस तरह से जैसे जैसे सिस्टम आपका कंज्यूम करता जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रेजोल्यूशन को कन्वर्ट कर देगा। अब मैं अडेप्टिव रेजोल्यूशन ऑन कर देता हूँ, तो जहाँ मेरा सिस्टम स्लो होगा वहाँ पे वो क्वालिटी जो है वो डाउनग्रेड करता जाएगा, ठीक है, डाउन सैम्पल करता जाएगा। मैन्युअली आप करना चाहो तो मैन्युअली आप कर सकते हो, इसको यहाँ से भी आप ऑटो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके आपकी चॉइस है, राइट। अब जैसे मेरे पास ये वीडियो है, ठीक है, वीडियो है, या मेरे पास एक ये इमेज है, इस इमेज को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें देखो, मैं अगर ये इस में स्काई रिप्लेस करना चाहें हम, ठीक है, अगर हम स्काई रिप्लेस करना चाहें या हम ये ग्राउंड रिप्लेस करना चाहें, तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास इसी तरह यहाँ पे पेन टूल है, ठीक है। ये पेन टूल बिल्कुल सारे वही आइडेंटिकल ऑप्शंस हैं, ठीक है, कंप्लीट आइडेंटिकल ऑप्शन वही है एलिस्ट्रेटर फोटोशॉप वाले, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसमें यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट की चेंज है, ठीक है। मास्क की जो है शॉर्ट की हमारे पास यहाँ पे क्यू आ रही है, ठीक है, जो फोटोशॉप में भी आपकी क्यू होती है, ठीक है, क्विक मास्क मोड होता है जिस तरह से, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास पेन टूल में जो है सिर्फ जी आ रही है, वहाँ पे आपके पास पी होता है पेन टूल के लिए, सही। अब यहाँ पे इसको मैं पेन टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा असेंशियल टॉपिक है, मतलब इसमें पहले जब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी, फिर आपको आइडिया होगा कि मतलब इस मास्किंग से वीडियोस के अंदर आप कितनी जो है इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। बहुत अक्सर लोगों का जो है ना एक बड़ा ही जो है ना मासूमाना क्वेश्चन होता है हमेशा अक्सर, कि वीडियो के अंदर बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, वीडियो के अंदर बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं कि वीडियो के अंदर बैकग्राउंड चेंज करना आसान नहीं है कंपैरेटिवली इमेज के, ठीक है। वीडियो के अंदर जो है आपके पास मल्टीपल फ्रेम्स होती है, फ़ोटो में बैकग्राउंड चेंज करना है तो फ़ोटो में तो सिर्फ आपके पास एक पिक्चर है, आपने कट किया, बैकग्राउंड चेंज किया फटाफट और ख़त्म, फिनिश, ठीक है। वीडियो के अंदर 25 फ्रेम है, मीन्स आपको 1 सेकंड के लिए भी अगर बैकग्राउंड कट करना है, तो आपको 25 बार उस पिक्चर को क्रॉप करना पड़ेगा, सही है। इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा, मैं आपको वो चीज़ भी बता दूंगा। लेट्स से मेरे पास ये इमेज है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्रॉप करना शुरू किया, ठीक है। अच्छा, पेन टूल सेलेक्ट रखते हुए इस तरह से मैं जो है माउस के मिडल, माउस जो मिडल व्हील है माउस के, उससे मैं जो है ये इस तरह से ड्रैग करके मूव करूँ, ठीक है, मैं स्पेस बार होल्ड नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आप इसको जो है मूव करो, ठीक है, इस तरह से माउस को यहाँ पे ले आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया, ठीक है, ये मैंने जैसे मास्क क्लोज़ किया, यहाँ पे मेरे पास ये क्रॉप हो गया, यहाँ पे क्रॉप हो गया, ठीक है, बड़े मज़ेदार तरीके से क्रॉप हो गया, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। इसमें जो है इजीली मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, ठीक है, हमने लेयर क्रिएट करके ये बैकग्राउंड भी इजीली चेंज हो गया यहाँ पे। ये तो एक सिंगल इमेज है ना, सही है। अब लेट्स मूव टू द वीडियो, कि अगर हमारे पास वीडियो है तो वीडियो में हम क्या करेंगे। सबसे बड़ा मसला आता है यहाँ पे,
ठीक है, इसलिए वीडियो के लिए मैंने एक अलग टॉपिक रखा हुआ है पूरा, कि वीडियो के अंदर अगर आपको मास्किंग करनी है तो हम आसानी से कैसे करेंगे। ठीक है, वीडियो में काफ़ी इशू आता है, ठीक है, बट पहले मैं आपको ये जो है नॉर्मल पेन टूल वाला प्रोसीजर भी बता देता हूँ कि अगर किसी को जो है उस तरह से ख्वारी करनी है थोड़ी, तो वो उस तरह से भी ट्राई कर सकता है। ठीक है, पेन टूल ऑब्वियसली अभी न्यू वर्जन के अंदर भी पेन टूल है, तो उसके पीछे कोई वजह है, सही है, ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके से जो है मास्किंग हो। पेन टूल भी जो है हमारा काफ़ी काम आता है, इसमें बहुत से छोटे छोटे एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें पेन टूल काम आता है। अब यहाँ पे देखो ये वीडियो है, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर जो है क्रॉप करना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि सिर्फ 1 सेकेंड पे आते हैं, 1 सेकेंड में हमारे पास 30 फ्रेम है। ठीक है, मैं इसको जूम इन करता हूँ प्लस प्रेस करके, मैंने प्लस प्रेस किया ऑल द वे टू 30 फ्रेम्स, ये हमारे पास 30 फ्रेम है। राइट, यहाँ पे मैं एन प्रेस करके पहले तो इसको ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एन प्रेस किया कीबोर्ड पे, बी से जो है वो जो है आपका बैक वाला एरिया ट्रिम होता है, एन से जो है वो फॉरवर्ड वाला एरिया ट्रिम होता है। ठीक है, देखो बी से करूँगा तो बैक वाला ट्रिम होगा, एन प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड वाला एरिया होगा। उसके बाद अगर आप इस ट्रिम कॉम्प एरिया पर राइट क्लिक करके इसको कर दो ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया, ठीक है, इस कॉम्प एरिया पे ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया, तो ये मेरे पास 1 सेकंड की जो फ्रेम ड्यूरेशन है ये क्रॉप हो गई। ठीक है, ये 1 सेकंड की ड्यूरेशन क्रॉप हो गई, सही। अब ये 1 सेकंड का सीन है और इसको हम रेंडर आउट कर लेते हैं 0 प्रेस करके, यार इसका प्रीव्यू जनरेट हो जाए, सही है। अब यहाँ पे मैं ये आईफिल टावर के सराउंडिंग का जो स्काई है ये मैं क्रॉप करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से एंड से, फिर हम इसमें पीछे की तरफ आगे इस तरफ रिवाइंड में आएंगे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से रफली कर रहा हूँ सिर्फ एक दिखाने के लिए, हम यहाँ पे सॉरी इसको देखो वीडियो को सेलेक्ट कर लो वरना शेप के ऊपर आएगा। एक रफ के अंदर मैं आपको सिलेक्शन बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लेके इस तरह से ऊपर, इसको हम ले आते हैं इधर, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें शायद मास्क में चेंजेस भी करनी है। अब ये इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि ये इस वक्त सिर्फ एक सिंगल फ्रेम जो है वो क्रॉप हो रही है, सही। अब जब ये स्टार्ट होगा मूवमेंट, जब इसमें मूवमेंट स्टार्ट होगी तो फिर देखिएगा मज़ा क्या है। सही, ये तो हमारे पास इतना एरिया क्रॉप हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं तो आईफल टावर क्रॉप करना चाह रहा था, सही है, वो क्रॉप करना चाहिए था क्योंकि हमें स्काई रिप्लेस करना था, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जैसे पहले हम तो यहाँ पे सब क्रॉप कर रहे थे तो जो ऑब्जेक्ट क्रॉप करना चाह रहे थे वही क्रॉप हो रही थी, यहाँ पे तो आईफल टावर हमारा क्रॉप हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब दोबारा तो हम जो है उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बटन होता है इन्वर्टेड का, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा इन्वर्ट, तो ये जो रिवर्स होगा सिलेक्शन जो जो भी चीज़ें होंगी उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है, इन्वर्ट कर देगा, तो अब हमारे पास यहाँ पे स्काई रिप्लेस हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर जैसे ये वॉशिंगटन वाली इमेज है, चलो फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को मैं ला के ड्रॉप कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, जस्ट टू शो, ठीक है, और इसको मैं स्केल कर दिया, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको बैक में यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक, तो अब इसका ये क्या हुआ कि हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो गया।
सही, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो गया। अब देखो, अब हम इसको अगर मूव करना स्टार्ट करते हैं, जो वीडियो है इसको हम अगर मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या होगा? ठीक है, अभी जब तक हमारा आईफल टावर सेंटर में है तो जब तक सीन फाइन। ठीक है, ये हटना शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे एंड में बिल्कुल सेंटर था, और जैसे ही हमने उसको वीडियो की पोजीशन मूव, क्योंकि अभी तो ये हमने फ्रेम बड़ा स्टेबल लिया था इसीलिए 1 सेकेंड, लेकिन जैसे जैसे ये कैमरा मूवमेंट आना शुरू हुआ तो ये आपका आईफल टावर मास्क में से हटना शुरू हो गया और इनसाइड में जाके हाइड होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब ये तो बहुत ही हमारा सिंपल स्टेबल शॉट है तो इतना पता नहीं चल रहा, बट यहाँ पे ये एरिया में देखो सब जगह कितना ये सब मिसिंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्री भी आ रहा था, ये भी हमें एडजस्ट करना होगा, राइट? तो आप इसको बीच में पॉइंट्स वगैरह ऐड करके जो है इस तरह से आपको ट्रीज़ वगैरह भी जो है यहाँ पे मैनेज करने होंगे थोड़े थोड़े। पेन टूल दोबारा हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको जो है एरियाज वगैरह सब शो करने के लिए काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ेगी। इसको मैं अंडू करता हूँ फिलहाल, सिर्फ मैंने बताने के लिए। इसके लिए जो है हमारे पास एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है जो मैं इसके पार्ट 2 में आप लोगों को जो है शेयर करूँगा। ठीक है, पार्ट 2 में शेयर करूँगा, और यहाँ पे आपको इसी मास्किंग से रिलेटेड मैं थोड़ा एक एडवांस टॉपिक भी समझाऊँगा। सही, अब यहाँ पे ये देखो, इसको मैंने मास्किंग के फैदर ऑन कर लिया। अगर मैं इसको फैदर स्मूथ थोड़ा करना चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मास्क अगर आपको हाइड करना हो तो ये देखें, यहाँ पे ये हमारे पास बटन है, इससे आप मास्क हाइड कर सकते हो। ठीक है, स्मूथ हमने फैदर इसलिए ऑन किया कि थोड़ी सी एजेस स्मूथ हो जाए। ठीक है, ये बटन है, यहाँ से आप इसको मास्क को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है मास्क, इसको समझो, थोड़ा सा इस पर प्ले करके देखो, हल्का फुल्का इस तरह से बैकग्राउंड वगैरह। बट ये एक ख्याल रखना है कि हमें जो है इसमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ मास्क की मूवमेंट चेंज करनी पड़ेगी। लाइक मैं इसको अभी एक तरीके से और समझा देता हूँ कि इसकी मास्क की हमें जो है साथ साथ ये यहाँ पे मैं इसको एम प्रेस किया और ये मास्क की की फ्रेम मैंने ऑन कर दी। ठीक है, ये हमारे यहाँ से मास्क स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ से इसको टॉगल करके इसको ऑफ कर दो और मूव टूल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और फिलहाल इस आईफल टावर को लेते हुए समझो, इसको मैं अगर मूव कर रहा हूँ तो ये मास्क मेरा मूव हो रहा है। ठीक है, तो मुझे साथ साथ इस तरह से ये मास्क यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको मूव करना होगा हल्का हल्का। ठीक है, मास्क को मैंने सेंटर कर दिया। ये लेयर मेरी आउट हुई, मैंने इसको यहाँ पे दोबारा सेंटर कर दी। ठीक है, तो ये की फ्रेम से क्या होगा कि ये मास्क बिल्कुल आपका सेंटर में रहेगा। मूवमेंट इसकी जो है सेंटर में रहेगी मास्क की। अब ये यहाँ पे जैसे थोड़ा आपको मूव होता हुआ लगा इस जगह पे भी, आप इसको दोबारा सेलेक्ट करो, ऑन करो, इसको डबल क्लिक करो, ये ठीक है एक्टिव हो गया। इसको दोबारा आपने एडजस्ट कर दिया तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, राइट? तो आई गेस आप लोगों को ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा होगा, सही है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है मास्किंग, सही है, बट यू विल गेट टू इट जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। और मैं जो है आपको बेसिकली एक फीचर, न्यू फीचर है, एक फीचर भी है और एक बहुत ही दूसरा यूज़फुल जो है वो प्रोसीजर है मास्किंग का और क्रॉपिंग का, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि वो जो है आपको काफ़ी इजी लगेगा कंपेरेटिवली टू दिस जो है ट्रेडिशनल मास्किंग। सही, इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं इसके हम सेकेंड पार्ट के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।